फिल्म रिलीज होती है तो एक्साइटमेंट तो 100% की वो फिल्म सबके सामने आ रही है। एक प्रोड्यूसर के लिए बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होता है, एक डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होता है, एक्टर्स के लिए बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि 150 लोगों ने अपना खून पसीना जलाया हुआ होता है। तो उनके सबके घर जिसके नमक के काम जो फिल्म आई हो, मेरे किचन में जो फिल्म ने किचन चलाने में छोटी भी भूमिका निभाई है, उसको चाहे वो 2 करोड़ की फिल्म हो, चाहे 200 करोड़ की फिल्म हो, हर चाहे 2 लाख की फिल्म हो, मैं हर फिल्म की बहुत इज्जत करता हूँ। और वेलकम वेटिंग जैसा नाम है, आपको पता है कि एक बहुत ही बढ़िया एंटरटेनिंग सब कलाकारों की फिल्म है। आनंद जी ने उसको बहुत प्यार से बनाया है, बड़ी मेहनत की है और ये सच्चे जेन्युइन गाय, और बस आज इनके सपोर्ट के लिए, फिल्म के सपोर्ट के लिए और आप सबके सामने मुझे भी खड़ा होने का, मुझे भी एक पात्र निभाने का मौका मिला था और मैंने कोशिश की कि सबको अच्छा लगे। और बाकी फिल्म के लिए शुभकामनाएं, पूरे सारे कलाकार बंधुओं के लिए शुभकामनाएं, प्रोड्यूसर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं और ऑडियंस के लिए बहुत सारी प्रार्थना कि प्लीज आप इस फिल्म को देखने आए, लोगों को आशीर्वाद दें। सर थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में बात करें, हमारा किरदार एक फैमिली किरदार है, आपको पता ही है जिस तरीके की फैमिली है वेलकम वेडिंग, तो फैमिली में एक फैमिली का ही किरदार है, फैमिली को देखने में अच्छा लगेगा, बस आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ। अरे हम तो बहुत सारी फिल्मों में हम बड़ा खुश नसीब है कि हमें दूल्हा बना के, मतलब अच्छा बहुत दिन पहले की बात है। अब गाय के लिए किरदार के लिए नहीं, किरदार को दिखाने के लिए आज फिल्म शुरू हो गई है और अंदर उसका जो है शो ऑन हो गया है, और आप सबसे बस की आपको किरदार आपको सामने दिख रहे हैं, पोस्टर दिख रहे हैं, शुभकामनाएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। किसकी तरह आपको भी बांधना चाहिए, क्योंकि देश में अब इतना गर्मी अर्मी समय ये जब से हुआ है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जीवन में आप कुछ भी करो लेकिन अपने शरीर का अपने मुंह का हमेशा ख्याल रखो, इसलिए हेल्थ पर हमेशा ध्यान रखो, मतलब फिल्म देख के खूब सेहत में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करो, लेकिन बाहर निकलो तो अपनी सांस और दूसरे की सांस को सेफ करो। क्या आपका हंसते हंसते पेट बहुत दुखने वाला है, ये मूवी इतनी कॉमेडी मूवी है, राखी जी ने जो इसमें धमाका किया, आपको पता है शीजा ड्रामा को इन आइटम को ऊपर से राजपाल जी का तड़का और ऊपर से मैं तो हुई इनकी इनकी जो मूवी में मसाला डालेंगे राखी जी में मिलके, मेरा कैरेक्टर इसमें एज अ फ्रेंड है और जो कि मैं खूब धमाल मचाने वाली हूँ इस मूवी में और बहुत एक्साइटेड हूँ, इसकी स्क्रीन होने वाली है और कुछ शब्द मेरी फ्रेंड निशा जी भी बोलेगी। निशा पारे, हाय, शी इज एक्ट्रेस निशा पारे। हेलो 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 हेलो, वेलकम वेडिंग के लिए सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी कि राखी सावंत एंड मनीषा कुमारी बोथ आर माई वेरी गुड बडीज, एंड राखी सावंत हमेशा की तरह ड्रामा क्वीन है और इस मूवी को प्रमोशन देखते ही मुझे लग रहा है कि वो इसे बहुत ही धमाल करने वाली है, और मनीषा कुमारी जिन्होंने भी बहुत ही अच्छा एक कैरेक्टर प्ले किया है, उनकी बेस्ट फ्रेंड जो कि वो रियल लाइफ में भी उनकी बेस्ट फ्रेंड है और सुपर्ब हिट है, बाकी देखने के बाद पता चलेगा। वी आर एक्साइटेड टू योर स्क्रीनिंग, वेलकम वेडिंग, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे आनंद जी ने बहुत मेहनत करी है और ये मूवी बहुत ही फैमिली है, ड्रामाबाज है, आप देखोगे बहुत अच्छी लगेगी। हम ट्रेलर देख चुके हैं, हम इनकी मेहनत देख चुके हैं, हम चाहते हैं कि पब्लिक में ये और भी सब परिवार के साथ देखा जाए, ऐसी मूवी है तो आप इसको अप्रिशिएट कीजिए और हमारी तरफ से इन लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छी मूवी जी। नमस्ते, मैं एडवोकेट डॉक्टर पवन यादव, जैसे कि आप देख रहे हैं वेलकम वेडिंग मूवी जो है, यह मूवी हम अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ देखने लायक मूवी है और मैं मूवी देखी, मुझे बहुत पसंद आया और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग आके मूवी देखें और हमें आपका ब्लेसिंग दें।
हमने प्रयास किया, एक्साइटमेंट तो क्या सामने से आएगा, अच्छा है नहीं है क्या है, तो अभी सामने रिप्लाई आज पिक्चर देखने के बाद अभी तो स्टार्ट है, उसके बाद जो ओपिनियन आएगा आप लोग बताना क्या बताए लोगों ने। ऐसा एक्सपीरियंस था पूरी फिल्म का? हमने तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कॉमिक फिल्म है, राजपाल और राखी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है, चीज अच्छी है, कॉमेडी है, लेकिन रिप्लाई मीडिया और पब्लिक और जनता देगी, उसका इंतजार रहेगा। हमें इसको एक ही शब्द में कह सकते हैं कि जिस तरह एक माँ जो है अपने पुत्र के लिए जो जन्म देने वाली है, जो पीड़ा होता है, जो प्यार होता है, जो ममता होता है, वही चीज मेरे लिए है, वो एक्साइटमेंट है, वो तमाम चीजें हैं। तो एक माँ के लिए कह सकते हैं, माँ के रूप में, कि ये फिल्म मेरे लिए पुत्र समान है, पुत्री समान है, और बहुत ही मजेदार फिल्म है, और एक पूरे पब्लिक को ना बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये पारिवारिक फिल्म है। और एज ए डायरेक्टर आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग प्यार दीजिए, आप लोग सहयोग दीजिए, मैं कितना सफल हुआ। सर एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा राखी जी के साथ, राजपाल जी के साथ? एक्सपीरियंस कहेंगे तो बहुत खट्टा मीठा, बहुत उतार चढ़ाव, लेकिन सबसे बड़ी बात है एक पारिवारिक, एक टीम वर्क, एक बहुत ही अच्छा फिल्म मतलब रहा, जिसमें कि जिस तरह कॉमेडी फिल्म है उस तरह कॉमेडी की तरह हमने मजाक मस्ती में हमने फिल्म ये बना ली है, और मजाक मस्ती के चलते 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 थोड़ा सा आया, और इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी दम भी आए, जो फिल्म को हम जिस तरह दिखाएं इसमें उसी तरह से हमारे इस फिल्म के बनाने में जर्नी में भी हमारी चीज़ें आएँ। तो फिल्म के जो प्रोसेस में हमें जो अनुभव मिला है वो मेरे जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही ग्रेट है, क्योंकि खट्टे मीठे तो ज़िंदगी में हर तरह के इंसान मिलेंगे, लेकिन आप जो अपनी मेहनत से पीछे मत हटिए, ईमानदारी से हर समय कोशिश करते रहिए, हर दम कोशिश करते रहिए, तो आपके सामने ये वेलकम वेडिंग आप लोग के तक आएगी आएगी। थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेडिंग की टीम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये पिता और पुत्र फिल्म के लिए सबसे बड़ा होता है प्रोड्यूसर, जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं चंद्रेश्वर प्रसाद जी और विकास नायक जी, और ये और हम तीनों अलग नहीं है, समझे तीनों। सर वेलकम वेडिंग के लिए इतना ही बोलूंगा मैं कि फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है, और फिल्म बहुत जरूरी है देखने की, कैसा इसका ह्यूमर है, क्या है फिल्म में, और राखी की शादी है तो उसका सुहागरात देखना तो पड़ेगा, वो बनता है। पिताजी बच्चों से क्या उम्मीद कर सकते हो, बच्चा किस रूप में पिताजी को सपने को पूरा कर पाता है ये पिक्चर में कहानी है, और सब साथ मिलके बैठ सकते हैं, देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। जनता आगे देखे और यहाँ से कुछ बच्चे भी सीख के जाएंगे, हम अपने पिता के सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं, और पिताजी भी बच्चे से कैसे संतुष्ट हो, ये सिर्फ कहानी में देखने को मिलता है। मैं इस फिल्म में कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन से पूरा टाइम मैं साथ में रहा हूँ, मैंने देखी है, मैंने सर की मेहनत देखी है इसके पीछे, और मैंने फिल्म भी देखी है, एक बहुत ही अच्छी कॉमेडी फिल्म है, फैमिली फिल्म है। अभी एक टाइम ऐसा चल रहा है जहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा ज़्यादातर फिल्मों में, तो आप अंदर जाके देख सकते हैं, आपको मज़ा आएगा, और आप निकलेंगे तो हंसते हुए निकलेंगे, और उसके पीछे एक मैसेज भी मिलेगा आपको, एक सीख हमारे समाज के लिए, वो भी सर ने बहुत अच्छे से फिल्म आया है जी। थैंक यू सर। मेरी बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज होंगी फिल्म के साथ, बिकॉज मैंने इसको थ्रू थिक एंड थिन देखा है, फ्रॉम स्टार्टिंग एक्सिस स्क्रैच से टिल इसका रिलीज तक का, तो बहुत ज़्यादा विशेज है, बहुत इमोशंस जुड़े हैं। मैं आप सब लोग से भी रिक्वेस्ट करूँगी कल रिलीज और प्लीज जाके देखिए और अपने रिव्यूज दीजिएगा कैसे लगे क्या लगे। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद जी ने बहुत अच्छा विश्वास मेरा संपादन किया। फिल्म अच्छी है, हंसी मजाक वाली फिल्म है, हर लोगों को इससे बहुत मजा आएगा देखने। कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी फिल्म का आनंद जी के साथ काम करने का? बहुत मजा आ गया मतलब ये बोल रहे हैं एक्चुअली कहा जाए एक लाइन में तो पूरा महाभारत से जो जितने भी फिल्में अभी आ रही है पूरा वायलेंस ये बोल रहे हैं, ये एक मैंने पारिवारिक और बहुत शुद्ध पारिवारिक, ताकि सब लोग घर के सदस्य माँ बहन बेटी सब लोग बैठ के एक साथ देखिए, ऐसी फिल्म है और पूरा मजा लीजिए, इनका बोलने का मतलब ये। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।